सबसे पहले तो आज गणपति बाप्पा का आगमन हुआ है, इस अवसर पर पूरे देश के जनता को मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गणपति बाप्पा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दो साल पहले कोरोना था और कोरोना के वजह से हम लोग ये उत्सव मना नहीं पाए, तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह का विघ्न हमारे देश के ऊपर ना आए, ऐसा आशीर्वाद गणपति बाप्पा भारतवर्ष के सभी नागरिकों को दे, ऐसी प्रार्थना गणपति बाप्पा के चरणों में करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि इस देश में जो पोल्यूशन है 2050 तक इसको 25% कम करने के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में उन्होंने स्पीच दे के सारे विश्व को उन्होंने आह्वान किया है कि सब मिलके हम लोग कैसे किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर सके, प्रदूषण कम कर सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से अभी गणपति का जो त्यौहार है, आज तो गणपति बाप्पा का आगमन हुआ है, लेकिन जो भी त्यौहार हम लोग मनाएंगे इको फ्रेंडली अगर मनाएंगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा और हमारा ग्लोबल वार्मिंग में क्लम कम करने के लिए थोड़ा सा योगदान होगा। हम सब लोग अगर इस तरह से योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वो आसान रहेगा।